मैं क्या था ना, मैं सेकंड अटेम्प्ट में जब फेल होना मैं बहुत रोया था, तो इतना रोया मुझे समझ रहा नहीं मैं फेल क्यों हो रहा, और मैं अगर पढ़ता नहीं और फेल होता तो बहुत अलग बात थी। मैंने तब एनालिसिस किया, मेरा प्रॉब्लम होता था एग्जामिनेशन का पहला दिन मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, मेरे को यही टेंशन था। एक तो मेरे को ऐसा नहीं किया, मेरे को ऐसा फीवरिश लगता था एग्जामिनेशन के पहले टेंशन में, और मुझे क्या लगता था क्या कि मेरे का कुछ हो ही नहीं रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि मैं क्या करता था एक एक चैप्टर, जैसे अभी एक चैप्टर लिया तो उसमें घुस जाता था मैं, अब 3-4 घंटे घुस जाते उसमें, फिर ऐसे करते करते 12-13 चैप्टर में से 6-7 चैप्टर ही रिवाइज हो रहे, फिर अब क्या 3 घंटे बाद एग्जाम में मेरे 6 चैप्टर और बाकी है। फिर ये जो समस्या थी ना, ये मेरे को 2 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद समझा कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। फिर मैंने बेंचमार्किंग किया, रैंकर से पूछा तुम क्या करते हो, फिर मैंने अपना देखा उनका बेंचमार्किंग में कब की, मैं भी वो करूंगा जो वो करते हैं। फिर मैंने कंपेयर किया, फिर कंपेयर में समझा कि ये जो नोट्स है ये जो अभी अपन देख रहे हैं ये वो पहले से बना के रखते थे, और एग्जामिनेशन से पहले दिन अपन जो एक चैप्टर को 4 घंटे गलाते ना वो 40 मिनट गलाते, और उनको भी उतना ही मजा था जितना अपने उनको 40 मिनट में उतना मजा आ रहा जितना अपने को 4 घंटे में आ रहा, क्योंकि आउटपुट है ना, आउटपुट जो है, क्योंकि आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ बहुत उखाड़ ले लेते हैं बिकॉज उसमें कई क्वेश्चन रिपीटेटिव मारते हैं, तो तब जाके समझा ये लोग पास क्यों हो रहे, तो वो एक ही कदम में पास हो रहे और हम 3 दिन में नहीं हो रहे। वजह थी कि एग्जामिनेशन के पहले दिन टैकल कैसे करना, तो नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट, जैसे अपन ने ईएएस में एसएम में एफएमई को में जो बनाया ना, ये हर सब्जेक्ट में अगर जिसका बन गया ना हाँ पास होना बड़ी बात नहीं है, एग्जामिनेशन के पहले दिन अच्छे से 6-7 घंटे की नींद लेके अगर आप रिवाइज कर पा रहे हो कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ लोग रिवाइज तो कर लेते पर 3 घंटे सो के वो एग्जामिनेशन में हौला होता, वहां पर जाके ऐसा सोता, अरे सोए लोग देखे मैंने, आपने कभी देखा ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में, वो बता रहे मेरे ब्लैंक हो गए, मैं ब्लैंक हो गए 10 मिनट का, वो होता शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। भैया ये ब्रेन है, ऐसे रात भर नहीं सोएंगे, और वो भी 15-15 दिन 3-3 घंटे सोएंगे नहीं, काम करना बंद कर, उसको जो आता वो भी नहीं आता, तो आप उसको एग्जामिनेशन के पहले दिन आपको 6-7 घंटे की नींद अनिवार्य है। नींद में कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ काम का है नहीं, 6-7 घंटे सो के अगर आपकी पढ़ाई आराम से होके आप मस्त शांति दिमाग से जा रहे हो तो आपको पेपर में रिकॉल भी होता, आप याद करके देख लीजिए इसको। अपन हावले ऐसा कुत्ते ऐसा करेंगे और ये करना वो करना, हावले से भागते हैं वो एग्जामिनेशन में कुछ याद आते, कुछ लोग तो आरटीपी और सजेस्टेड गाड़ी भी बैठे बैठे पढ़ते, उसका दोस्त आगे भागा था वो पीछे पढ़ता। और वो एग्जामिनेशन में वो बोलता भाई घंटा बज गया तेरे क्या है ये पेपर ले ले, वो बोलता नहीं सर 2 मिनट थोड़ा सा लाइन मेरे को 2 पढ़ने दो, अरे तुम लोग क्या करे एग्जामिनेशन में हॉल में भी आरटीपी लेके जाता। ये क्या होता ना, ये जो ये घाई गड़बड़ नहीं चाहिए, एग्जामिनेशन 2 बजे के ना 1 बजे जाके बढ़ जाने का शांति से, और वहां पे मस्त मेडिटेशन करने जो याद आए ठीक है नहीं आज छोड़ दो, वहां पे क्या होता ना वहां पे शांति चाहिए। आप क्या करते हो हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, वो तो इसमें क्या कुछ लोग 1:30 बजे घर से निकलते, फिर वो ऐसा भगाता ना गाड़ी ऐसा करके धूम चलाता गाड़ी हो, नहीं नहीं इसमें क्या होता आप समझा नहीं, आप पहुंच भी गए ना आपका मेंटल अनस्टेबिलिटी, आपके माइंड को डर लगता ना तो डर के मारे आपको समझता नहीं, तो आप ऐसे समय पे अगर आपका थोड़ा सा लेट हो गए आप 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो समझ लीजिए वो डर के मारे 1 घंटा खराब हो जाता। आप एक काम करो ट्राई करो इस अटेम्प्ट में, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये हौलापन नहीं होना चाहिए, आपको पास होना है ना जितना कांड करने का ना 6 घंटे की नींद होना चाहिए, घर से 5:15 बजे निकलना चाहिए, 1 बजे आपका सेंटर पहुंचना चाहिए, अगर आपको पढ़ना ही है वहां जाके आराम से पढ़ो पढ़ना है तो, लेकिन तो मत पढ़ो पर वहां पे जाके घर से लेट नहीं निकलने का। ऐसा एग्जामिनेशन हॉल होगा यहां बाहर बैठ जाओ, उसने जब लोग आ गए अपन चल जाने का, तो आप खुद ही सोचो ना मेंटल अनस्टेबिलिटी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती एग्जामिनेशन से पहले, आपको अगर यहां पर अगर थोड़ा सा दर्द हो गया ना उस समय तो आपके डर के मारे जो आता है ना वो पूरा, हाँ ऐसा नहीं करने आराम से जाने का 6 घंटे की नींद, और ये चीजें दी नकाई के लिए दी हुए रिकवरी करने के लिए।